अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके उर्दू की टीचर मिस तहसीन और यह है आपकी उर्दू की बुक उर्दू का गुलदस्ता। बेटा, हम इससे आगे वाला चैप्टर कौन सा पढ़ चुके हैं? कौन सा पढ़ा है हमने? इब्तदाई तिबी इमदाद। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद हमारे पास नया चैप्टर है चचा छक्कन ने रद्दी निकाली। मैं आपको इसके तीन पैराग्राफ की रीडिंग करवाऊँगी और सारे पैराग्राफ यानी मुकम्मल चैप्टर की रीडिंग आप लोग खुद करेंगे, बहुत अच्छा इसको समझेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ भी लेंगे, मुझे पता है बहुत अच्छी तरह समझ भी लेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, कहानी की तरह पढ़िएगा तो ज़रूर समझ में आएगा आपके। क्या है हमारे पास? देखिए, पिछले जुमे का जिक्र है। तीसरे पहर बच्चों का उस्ताद उन्हें पढ़ाने के लिए आया तो इस नेमूदे के हाथ अंदर चच्ची को कहला भेजा कि मर्दाने में बच्चों के पढ़ाने के लिए किसी कमरे का इंतज़ाम कर दीजिए, वहाँ उनके लिखने पढ़ने का सामान भी ठिकाने से रखा रहेगा और तवज्जह से अपना काम भी कर सकेंगे। आजकल आधा आधा घंटा तो किताबें और कापियां तलाश करने में सर्फ हो जाता है, फिर रेवड़ी में पढ़ाकर बैठकर पढ़ाता हूँ तो बच्चों का ध्यान गली में रहता है, पढ़ाई खाक नहीं होती। चच्ची दालान में बैठी बन्नों की ओढ़नी में लचकर टाँक रही थी। चच्चा छक्कन चारपाई के खटमल मारने के कर से सहन में खड़े पायों की चूल्हों में उबलता पानी डलवा रहे थे और चची को बता रहे थे कि ये बड़ा नायाब और मुजर्रब नुस्खा है और जब कभी आजमाया तीर बेहदफ पाया। इतने में चची को मुदे ने आकर उस्ताद का पैगाम सुनाया तो वो भड़क उठी। मेरे पास कोई कमरा नहीं, जिनका घर है जिन्होंने खाली कमरों में कुफल डाल रखे हैं इनसे कहें। चचा ने पैगाम तो सुना ना था, जवाब सुनकर चौंके, क्या बात है। मुदे ने उस्ताद का पैगाम दोहराया, सुनकर बोले, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया। अरे भाई, यही चाहती हो ना कि बाहर का कागजात वाला कमरा खाली करा दिया जाए तो सीधे स्वभाव ये बात कह देती, उसमें भला बिगड़ने का कौन सा मौका है, आज ही लो अभी लो, खाली हुआ जाता है कमरा। यहाँ तक की रीडिंग मैंने आपको करवाई है और इस चैप्टर को मुकम्मल पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, इसकी पूरी मुकम्मल रीडिंग करिएगा ताकि आपकी समझ में आए। फिर जब मैं अल्फाज मायने करवाऊँगी तो अल्फाज मायने में मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज समझा दूँगी कि उसके मायने क्या हैं। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट पेज इसका यह है, चैप्टर इस पेज पर मुकम्मल हुआ है तो आप इस पेज तक मुकम्मल इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह। ओके, अल्लाह हाफिज़।